नमस्कार साथियों, मैं कौशल चौहान आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं इस आपके अपने चैनल में। आज हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यता में बैराट सभ्यता जयपुर ज़िले की, ईसवाल सभ्यता उदयपुर ज़िले की, नोहा सभ्यता भरतपुर ज़िले के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं हमारे इस टॉपिक में, मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। लोहा युगीन सभ्यता या संस्कृति, इसमें हम कुछ विशेष बातें पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण है। उसमें है नोहे के काले एवं लाल मद्र पात्रों से लोहे की उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं। किस चीज से मिलते हैं लोहे की उपस्थिति के प्रमाण? लोहे के काले एवं लाल मद्र पात्रों से। राजस्थान में घग्गर नदी के पास एक टीले में, जिनमें चक 84 और तार खानों वालों का डेरा, चक 84 और तार खानों वालों का डेरा गंगानगर में विशेष है। कहाँ विशेष है? गंगानगर में। ऋग्वेद के सप्तम मंडल की रचना कहाँ पे? ऋग्वेद के सप्तम मंडल की रचना घग्गर में सरस्वती नदी के तट पर हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरस्वती के नदी के तट पर हुई थी कौन से? ऋग्वेद के सप्तम मंडल की रचना। सुनारी में एक लोहे का प्याला या कटोरा उपलब्ध हुआ है, कहाँ से उपलब्ध हुआ है? सुनारी में लोहे का एक प्याला और कटोरा उपलब्ध हुआ है। आगे हम चलते हैं बैराट सभ्यता जयपुर की। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैराट सभ्यता की जो सर्वप्रथम खोज की थी वो 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने की थी। किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने। बैसे बैराट और बैसे बर्ट, कैप्टन बर्ट ने 1837 में इस सभ्यता की खोज की थी। विराटनगर में मौर्य सम्राट अशोक का प्रथम भाबू शिलालेख, जिसे बैराट कलकत्ता शिलालेख भी कहते हैं, खोज निकाला था। कहां पर खोज निकाला था? विराटनगर में मौर्य सम्राट अशोक का प्रथम भाबू शिलालेख, जिसे बैराट कलकत्ता शिलालेख भी कहते हैं, खोज निकाला था। और यह सन 1840 ईस्वी से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित है। कहां से? 1840 ईस्वी से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित है। आगे चलते हैं, कैप्टन किटोई ने, किसने? कैप्टन किटोई ने लिथोग्राफ तैयार कर इसका लिपियांतरण और अनुवाद किया है। किसने किया है जो शिलालेख का अनुवाद? कैप्टन किटोई ने लिथोग्राफ तैयार कर इसका लिपियांतरण और अनुवाद किया है। डॉक्टर कंगिम ने 1864 और 1865 में इसका अध्ययन को आगे बढ़ाया था। क्या करा था? 1864 और 1865 में जो इस अध्ययन को आगे बढ़ाया था सभ्यता की। फिर 1871 और 1872 में कंगिम के सहायक, किसके? कंगिम के सहायक डॉक्टर कॉलाइल ने पुनः निरीक्षण किया, तथा डॉक्टर कॉलाइल ने भीमसेन की पहाड़ी में, कहां पर? कॉलाइल ने भीमसेन की पहाड़ी में अशोक का दूसरा शिलालेख खोजा। कहां खोजा अशोक का दूसरा शिलालेख? भीमसेन की पहाड़ी में अशोक का दूसरा शिलालेख खोजा। और जो इस लेख का संपादन है, किसने किया था? वूलर और सेनाटे ने। किसने किया था? वूलर और सेनाट ने किया था। सन 1910 ईस्वी में डॉक्टर D.R. भंडारकर ने विस्तृत अध्ययन किया वे सूक्ष्म परीक्षण किया। किसने किया? 1910 ईस्वी में डॉक्टर D.R. भंडारकर ने विस्तृत अध्ययन किया वे सूक्ष्म परीक्षण किया। आगे हम चलते हैं, मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, इसकी मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी, वर्तमान में उसे बैराट कहते हैं, उसमें बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, मोती डूंगरी तथा महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों पर उत्खनन का कार्य दयाराम साहनी ने सन 1936 और 1937 में किया था। कहाँ किया था? दयाराम साहनी ने 1936 और 1937 में किया था। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, जिसे विराटनगर में वर्तमान में बैराट कहते हैं, आदि का उत्खनन का कार्य किसने किया? दयाराम साहनी ने किया। फिर पुनः 1962 और 63 में नील रतन बैनर्जी तथा कैलाश नाथ दीक्षित द्वारा किया गया, और आगे भी इसका कार्य 1962 और 1963 में नील रतन बैनर्जी तथा कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा किया गया। नील रतन बैनर्जी को ईंट व कांच के टुकड़े तथा M.N. देशपांडे को छेद वाली कई उपकरण प्राप्त हुए। क्या हुए हैं? नील रतन बैनर्जी को तो ईंट व कांच के टुकड़े तथा M.N. देशपांडे को छेद वाले कई उपकरण प्राप्त हुए हैं। महाभारत के विवरण के अनुसार पांडवों ने अपना अज्ञातवास का अंतिम वर्ष छदम वेश में विराट राजा की सेवा में व्यतीत किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो महाभारत के विवरण है उसमें पांडवों ने अपना अज्ञातवास का अंतिम वर्ष जो छदम वेश में विराट राजा की सेवा में व्यतीत किया था।
पाषाणकालीन शैल से विराटनगर में खोजे गए हैं। जो पाषाणकालीन जो शैल पत्थर के जो चित्र हैं वो विराटनगर में खोजे गए हैं। भीमसेन की डूंगरी में एक गड्ढा मिला है जिसे भीमताल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भीमसेन की डूंगरी में एक गड्ढा मिला है जिसे भीमताल भी कहते हैं। बनेड़ी, ब्रह्मकुंड एवं जीणागौर की पहाड़ियों में वृषभ हिरण तथा वनस्पति का चित्रण है। बनेड़ी, ब्रह्मकुंड एवं जीणागौर की पहाड़ियों में वृषभ हिरण तथा वनस्पति का चित्रण है। आगे चलते हैं हम। इस क्षेत्र में मौर्य कालीन अवशेष तथा 36 मुद्राएं जिनमें 8 पंच मार्क चांदी की और 28 इंडो ग्रीक तथा यूनानी शासक की है। क्या मिला है? मौर्य कालीन अवशेष जिसमें 36 मुद्राएं जिनमें 8 पे पंच मार्क चांदी की और 28 इंडो ग्रीक तथा यूनानी शासक की है। उत्तर भारतीय काल चमकीले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रतिनिधि करने वाला राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन स्थल कौन सा है? विराटनगर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। उत्तर भारतीय काल चमकीले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन स्थल विराटनगर है। वर्ष 1999 में बीजक की पहाड़ी से अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर स्तूप एवं बौद्ध मठ के अवशेष भी मिले हैं। क्या मिले हैं? 1999 में बीजक की पहाड़ी से, कहाँ से? बीजक की पहाड़ी से अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर स्तूप एवं बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। यह हीनयान सभ्यता के है। कौन से? हीनयान समुदाय से संबंधित है। बैराट के आसपास पत्थर प्रचुर मात्रा में होने से मठों, स्तूप और मंदिर में ईंटों का प्रयोग अधिक हुआ है। क्या है? आसपास पत्थर अधिक थे जहां से मठों, स्तूप और मंदिर में ईंटों का प्रयोग अधिक हुआ है। यहां एक स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई है जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थि अवशेष थे। यह सभी मौर्य युगीन अवशेष है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक स्वर्ण मंजूषा भी प्राप्त हुई है जिसमें भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष थे। हूण आक्रांता महीर कुल ने बैराट विध्वंस कर दिया था। किसने विध्वंस किया था? हूण आक्रांता महीर कुल ने। सन 634 में हैनसंग ने विराट नगर आया और यहाँ मठों की संख्या 8 लिखी थी। किसने लिखी थी? हैनसंग ने विराट नगर आया था वो और मठों की संख्या 8 लिखी थी। कब आया था? 634 ईस्वी में। अब आगे हम चलते हैं। विराटनगर की ग्रेनाइट पहाड़ियों की कंदाराओं, बीजक की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी एवं गणेश डूंगरी में भारतीय शंख लिपि के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि शंख लिपि के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ग्रेनाइट, जो विराटनगर की ग्रेनाइट पहाड़ियों की कंदाराओं, बीजक की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी एवं गणेश डूंगरी से। शंख लिपि में जो अक्षर शंख आकृति से मेल खाते थे। कैसे? जो शंख लिपि है उसमें अक्षर भी शंख आकृति से मेल खाते थे। विराटनगर में मुगल कालीन टकसाल के प्रमाण भी मिला है। क्या मिले हैं? विराटनगर में मुगल कालीन टकसाल के प्रमाण भी मिले हैं जहां से अकबर, जहांगीर व अन्य मुगल बादशाहों के ढाले गए थे। किसने ढाले थे? अकबर, जहांगीर व अन्य मुगल बादशाहों ने इन सिक्कों को टकसाल में ढाला था। सिक्कों पर टकसाल के नाम पर बैराट भी अंकित है। क्या अंकित है? बैराट भी अंकित है। मुगल द्वारा 16वीं शताब्दी में अकबर के द्वारा निर्माण करवाया गया था। जो क्या कहा गया था? टकसाल का। मुगल द्वारा 16वीं शताब्दी में अकबर के द्वारा निर्माण करवाया गया था। आगे चलते हैं। ईसवाल सभ्यता उदयपुर की। कहाँ है? ईसवाल उदयपुर की। ईसवाल उदयपुर जिले की प्राचीन औद्योगिक बस्ती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो प्राचीन औद्योगिक बस्ती किसे कहा गया है? ईसवाल उदयपुर को। राजस्थान में विद्यापीठ उदयपुर के द्वारा उत्खनन किया जा रहा है। किसने उत्खनन किया जा रहा है? राजस्थान विद्यापीठ के द्वारा इस सभ्यता का उत्खनन किया जा रहा है। 2000 वर्ष तक लोहे गलाने के प्रमाण मिले हैं। 2000 वर्ष तक लोहे गलाने के प्रमाण कहाँ मिले हैं? ईसवाल उदयपुर में। यहाँ के जो मकान होते थे यह प्रस्तर खंडों से निर्मित है। क्या है? मकान प्रस्तर खंडों से निर्मित है जिन्हें मिट्टी के गौर से जोड़ा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिट्टी के गौर से जोड़ा गया है। किस सभ्यता में? उदयपुर सभ्यता। कहाँ पे? ईसावाल में। यहाँ मिले सिक्के के प्रारंभिक कुषाणकालीन माना जाता है। जो सिक्के मिले हैं उसे प्रारंभिक कुषाणकालीन के माना जाता है। मौर्य साम्राज्य व शुंग कुषाण काल में यहाँ लोहे गलाने की गतिविधियां संचालित होती थी। क्या होती थी? मौर्य साम्राज्य व शुंग कुषाण काल में यहाँ लोहे गलाने की गतिविधियां संचालित होती थी। आगे हम पढ़ेंगे। नौहे सभ्यता भरतपुर की। नौहा सभ्यता भरतपुर की।
यह जो सभ्यता है सन 1963 और 64 ईस्वी में श्री रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में खुदाई की गई थी। किसके द्वारा? रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में। 1100 ईसा पूर्व से लेके 900 ईसा पूर्व का काल यह सभ्यता मानी गई है। 1100 ईसा पूर्व से लेके 900 ईसा पूर्व का काल की यह सभ्यता मानी हुई है। इसके उत्खनन में 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या मिले हैं? 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले हैं। कहाँ पे? नोहा भरतपुर में। एक प्रांत में ब्रह्म लिपि में चारों ओर लेख अंकित है। क्या एक प्रांत मिला है जिसमें ब्रह्म लिपि में चारों ओर लेख अंकित है? प्राप्त भांडों की विशेषता ब्लैक एंड लाल वेयर की है। क्या है? जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उसमें ब्लैक एंड लाल वेयर का उपयोग हुआ है। यहाँ खुदाई के एक स्थान से 16 रिंगवेल मिले हैं। क्या मिले हैं? खुदाई से 16 रिंगवेल मिले हैं। तो आज हमने ये 3 सभ्यताओं के बारे में पढ़ा और आपको बहुत ही कम समय में अधिक जानकारी और विस्तृत जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।